समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसके समर्थक मतदान के लिए बाहर ना आ पाए। गुरुवार के नतीजे में उसके उम्मीदवार को 36% वोट मिले, जबकि बीजेपी को मिले 62% वोट। जब से 5 दिसंबर को रामपुर विधानसभा सीट में सिर्फ 33% मतदान हुए, तब से समाजवादी पार्टी ने अधिकारियों पर कई आरोप लगाए। आरोप की हाई हैंडेड मेजर्स का उपयोग कर मतदाताओं, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने के लिए बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। भाजपा के आकाश सक्सेना ने सपा उम्मीदवार और आजम के सहयोगी मोहम्मद असीम रजा को 36% की तुलना में 62% मत प्राप्त किए। रामपुर में बूथ वाइज पोलिंग पर एक नजर डालने से पता चलता है कि क्षेत्रों के बीच मतदान में बड़ा अंतर है। सीट के शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल बूथों पर मतदान हिंदू बहुल बूथों की तुलना में आधा ही था। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में जहां मुस्लिम ज्यादा संख्या में हैं, ग्रामीण रामपुर की तुलना में जहां कुल मतदान 46% था, शहरी इलाकों में केवल 28% मतदान हुआ। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 65% मतदाता मुस्लिम हैं। लगभग 80% समुदाय शहरी क्षेत्रों में ही रहते हैं, जबकि हिंदू ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मोटा मोटी अर्बन ही है, जो 3.8 लाख मतदाताओं में से 2.7 के लिए अकाउंटिंग करता है। शहरी क्षेत्रों ने ट्रेडिशनली आजम खान को सीट जीतने में मदद की है। रामपुर से ही वे 10 बार विधायक रहे। भाजपा और सपा दोनों सक्रिय रूप से समुदाय को लुभाने के बावजूद कम मुस्लिम मतदान देखा गया। रामपुर शहरी में कुल 325 के 77 मतदान केंद्रों में हिंदुओं का वर्चस्व है और 68,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इसके विपरीत रिमेनिंग 248 बूथों पर मुस्लिम बहुल, जिनमें 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, वहां मतदान केवल 23% था। कुछ मुस्लिम इलाकों में जैसे पीला तालाब के 7 बूथों पर मतदान 4% तक कम था। कोठीबले रोड के बूथों और बजरिया हिम्मत खान दोनों मुस्लिम बहुल हैं, उनमें रिस्पेक्टिवली 5% और 7% मतदान हुआ। रामपुर शहरी में 90 से ज्यादा मतदान केंद्र है, जहां 20% से कम मतदान हुआ। सभी में मुसलमानों का वर्चस्व है। यहाँ तक कि सपा के गढ़ किले में, जहाँ पार्टी का कार्यालय है और इसके कुछ सबसे वफादार समर्थक हैं, 17 मतदान केंद्रों पर मतदान केवल 24% था। रामपुर शहरी के एक मुस्लिम बहुल मतदान केंद्र सरायगेट घोशियार में सबसे ज्यादा मतदान 39% दर्ज किया गया। गन्ना विकास कार्यालय के 6 मतदान केंद्रों में रामपुर शहरी में एक हिंदू बहुल बूथ में सबसे कम मतदान 27% था। मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर जिला कृषि कार्यालय के 3 बूथों पर, इसके ही ऑपोजिट रामपुर शहरी में हिंदू बहुल बूथों पर सबसे ज्यादा मतदान 74% था। ग्रामीण इलाकों में जहां भाजपा को काफी समर्थन प्राप्त है, वहां मतदान प्रतिशत कहीं ज्यादा था। कुछ मतदान केंद्रों पर 80% से ज्यादा वोट हुए। हिंदू बहुल माने जाने वाले 32 ग्राम स्तरीय बूथों पर मतदान 60% ज्यादा हुआ, लेकिन कई मुस्लिम बहुल गांव जैसे कि अजीतपुर, शजाद नगर, फजुल्ला नगर और अली नगर में मतदान 30-40% के अंदर दर्ज किया गया। असीम रजा के लिए प्रचार करते हुए आजम खान ने बार बार मुस्लिम क्षेत्रों में मतदाताओं से बड़ी संख्या में बाहर आने के लिए और मतदान करने के लिए कहा था, क्योंकि उन्होंने इन चुनावों को मुस्लिम प्राइड और अपनी विरासत की परीक्षा के रूप में पेश किया था। वोटिंग में पहले ही उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि पुलिस मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने के लिए डर का माहौल बना रही है। वहीं भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना और पार्टी के कई टॉप लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दौरा करते वक्त उन्होंने डबल इंजन विकास और सरकार के पक्ष में होने के लाभों को अंडरलाइन किया था। अभद्र भाषा मामले में आजम खान को दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के कारण रामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव जरूरी हो गए। गुरुवार को भाजपा के विजयी विधायक आकाश सक्सेना ने खान के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। चलिए, वोट परसेंटेज से बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।